नमस्कार, आज हम मौजूद हैं अंधेरी के शेरे पंजाब कॉलोनी के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में, जहां आज ऑल इंडिया सिख वेलफेयर एसोसिएशन और जय हो सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो आइए देखते हैं आज के सम्मान समारोह को। तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में हमें जरा विस्तार से बताइए। ये जो कार्यक्रम है, श्री जतेंद्र सिंह जी शेंटी को पद्मश्री अवार्ड मिला है, उसकी वजह से आज उनका स्वागत किया गया है। और बम्बई की तरफ से ऑल इंडिया सिख वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन होने के नाते हमने बम्बई में संकल्प लिया था कि इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। आप खुद एक कोविड योद्धा हो, आज आप एक डॉक्टर और उस कोरोना वॉरियर्स के लिए आप कुछ शब्द कहिए आज। देखिए, देश के ऊपर जब इतना भयानक समय आया तो हर सिविलियन एक फौजी बन गया था, और हमारी एनजीओ शहीद भगत सिंह सेवा दल तो ऑलरेडी 25 साल से देश की सेवा कर रही थी। हमारा नैतिक फर्ज बनता था कि देश के लिए हम सेवा करें, चाहे हमारी जान भी चली जाती, हम पीछे हटने वाले नहीं थे। हमने अपने फर्ज को निभाया है, और उसमें मैं अकेला नहीं, मेरे ड्राइवर्स, मेरे वॉरियर्स, मेरे बेटे, मेरे परिवार ने बहुत सहयोग किया, इसलिए मैं कर पाया। आपने 5000 से भी अधिक लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया है, वो भी उस वक्त जिस वक्त उनके परिवार वाले नहीं थे, कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई थी, तो उसके बारे में आप कुछ कहिए। देश के ऊपर एक बहुत भयानक समय आया था जब अपने अपनों से दूर चले गए, बच्चों ने पिता को हाथ लगाने से मना कर दिया। पता नहीं ईश्वर ने हमें कहाँ से शक्ति दे दी। एक्सपीरियंस तो था ही हमें 25 साल का, क्योंकि ऑलरेडी हम 47,000 से ज़्यादा डेड बॉडी कैरी कर चुके थे 25 साल में। वो एक्सपीरियंस काम आया, हमारी एम्बुलेंसेस काम आई, हमारे ड्राइवर वगैरह सब हम पूरे परिपक्व थे, इसलिए हमें कोई डर नहीं लगा। और हमने, चूँकि हम जिस सेना से हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि देश शिवा पर मोहे एह शुभ कर्मन ते कबो न डरो, उस चीज़ को लेके चल रहे थे। और एक ही मिशन था कि निश्चय कर अपनी जीत करो और लगे रहे बस। एक ड्राइवर मर गया उसमें, हमारा एक ड्राइवर शहीद हुआ, बाकी हम भी जाते जाते आ गए वापस, पर हम जाने वाले नहीं हैं, बहुत सेवा करेंगे। सबसे पहले तो जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सेज, पुलिस, सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस के ड्राइवर और शमशान घाट पर काम करने वाले कर्मी, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ। जिनके परिवार वाले अकाल मृत्यु में गए हैं, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सुविधाएं ना मिलने के कारण जो लोग गए हैं इस कोरोना में, पूरा देश उनको नतमस्तक करता है। उनके परिवार वालों के साथ हम सहयोग करेंगे, और हम सब एक ही दुआ करते हैं कि ऐसा बुरा समय कभी ना आए देश के ऊपर। देखिए, कोई भी आंदोलन कभी बेकार नहीं जाते हैं। भगत सिंह और उनकी पूरी टीम ने 123 दिन भूख हड़ताल की थी लाहौर जेल के अंदर, जिसमें जतिन दास जैसे लोग शहीद हुए, और उनकी बात को माना गया लाहौर जेल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा कदम उठाया प्रधानमंत्री जी ने, सॉफ्ट कदम उठाया है, और देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा है, और ये होगा। आज आप यहाँ पर स्पेशल गेस्ट हैं, और आज यहाँ पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है, तो उस कोरोना योद्धाओं के लिए कुछ शब्द कहिए। अभी गुरुद्वार मीन्स एक मंदिर ही है, इस गुरुद्वार में हर एक माता अपना देव मजहब में करता है, लेकिन कोरोना के टाइम में जो हमारे ये सब बांधव, हमारे सिख बांधव, उन्होंने जो काम किए उसमें अभी ये कल ही गुरु नानक जयंती हुई है, और उनके कोरोना योद्धा को सम्मानित कर रहे मुंबई की प्रथम नागरिक मुझे उन्होंने सम्मानित किया है, इसलिए मैं आई है। अपनी मुंबई, और मुंबई में ऑलरेडी जो हमारे वैद्यकीय सेवा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बेहतरीन है, और जो कोविड आने के बाद जो वैश्विक महामारी आई उसमें तो और भी आगे जाके जो पूरे देश नहीं वर्ल्ड में मुंबई ने एक नंबर का नाम खुद का कमाया है, और उसमें
सब भाई सब बहनों सब ने मिल के काम किया। हमारे मुंबई कर उसमें सब आए, जाति धर्म में नहीं मानती है ज़्यादा, सब ने मिल के काम किया, इसलिए मुंबई पूरे वर्ल्ड में आदर्श काम जो बोलते हैं अच्छा काम वो कोरोना का टाइम में। आज यहाँ पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है, वो देखकर आपको कैसा लग रहा है? मैं तो खुद एक सम्मानित आदमी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो खुद ही। देखिए क्या होता है कि जब कभी भी आप निस्वार्थ कुछ भी काम करते हैं तो, और निस्वार्थ जो काम करते हैं उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता और आपको किसी भी रिकग्निशन की इच्छा नहीं होती, लेकिन जब आप सही काम करते हैं तो समाज आपको सम्मानित करता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज शंटी जी हैं, हम हैं और चार लोग हैं ये आपके सामने हैं। तो आज यहाँ पर आपको कोरोना योद्धा के नाम से सम्मानित किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, सबको ये कोविड में इंसानियत का टेस्ट किया गया है एक्चुअली, तो यही कोविड ही में एक ऐसा मौका था जिसमें इंसान दिखा सकता है कि वो इंसानियत जिंदा है। बहुत अच्छा लग रहा है, तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि जो लोग जिस टाइम पे जब कोई घर से नहीं निकल रहा था तो योद्धाओं कोरोना योद्धा वहाँ बाहर निकले और लोगों की मदद किया, जिसके उसमें इन लोगों ने यहाँ पर गुरुद्वारे में सम्मेलन रखा है और जिन लोगों ने यानी लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद की उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने बड़े प्रोग्राम में हम लोगों को आमंत्रित किया गया और उससे बढ़कर हमको इस बात की खुशी हुई कि आज हमको जितेंद्र सिंह शंटी साहब से मुलाकात करने का मौका मिला, जो कि देखा जाए तो हिंदुस्तान के गौरव बन के उभरे इस कोरोना काल में। तो आज आप यहाँ पर सम्मान समारोह देखने आए, तो उस पर आप कुछ कहिए। ये सम्मान समारोह हमने ज़िंदगी में बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा सम्मान समारोह ना ऐसा कोई आदमी का कभी हुआ है और ना इसके बाद कभी हो। सही होना कि ये यही मैं कहूँगा कि पास हिम्मत है घर तेरे ऐ जिंदगी, हादसों की तू परवाह न कर, कोई भी हादसा होवे कुछ भी होवे इंसानियत की सेवा के लिए, सर्व द ह्यूमैनिटी टू सर्व द गॉड। तो जैसे कि आपने देखा आज के इस सम्मान समारोह में पद्मश्री अवार्डी श्री जितेंद्र सिंह संटी और साथ ही मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर उपस्थित थी और सभी कोरोना योद्धाओं को आज सम्मानित किया। हम धन्यवाद करते हैं उस सभी योद्धाओं को जो कोरोना महामारी में आकर हमारी रक्षा किए। इसी के साथ मैं आंचल चौधरी, वीडियो जर्नलिस्ट श्रुति दीघे के साथ द ट्रू हंट मुंबई।